मुझे कहते हैं कुरतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही जबरदस्त जगह, ये लाहौर चिड़ियाघर, जहाँ पर मैं बचपन में डेली आती थी, लेकिन अब जो है इत्तफाकन कभी कभी आ जाती हूँ और प्रोग्राम शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा पुरानी यादें ताज़ा हो रही है मेरी। तो एक तो हम लाहौर चिड़ियाघर आए हैं, वही फॉर्मेट है, लोगों से गपशप करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे और साथ ही साथ लोगों का छुपा हुआ टैलेंट भी मालूम करेंगे। लेकिन आज का जो सवाल लेकर आई हूँ वो काफ़ी मुनफरिद सा है, बहुत ही प्यारा सा है। वो कौन सी ऐसी आदत है जो आप अपने होने वाले हस्बैंड में या होने वाली बीवी में देखना पसंद करेंगे? तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस सवाल का जवाब। आई एम साथ बहुत ही क्यूट सी लड़की मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। किधर आए हो आप? हम जू आए हैं। और क्यों आए हो? हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, बहुत सी चीजें यहाँ को देखने के, उसको देखने आए हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीजें देखने आए हो आप? हम यहाँ पे जू में जानवर वगैरह, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन चीजों को देखने आए हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, करेंगे यानी अभी किया नहीं है जी, अभी हम आए हैं ना इसलिए। अच्छा, ये जानवर को देख के बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मुझे ये बताएं कि कौन से आपको एनिमल्स ज्यादा पसंद है? एनिमल्स लॉयन कह लें, और भी बहुत से एनिमल्स हैं जिनको देख के हम बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा एनिमल जिसके साथ आपको एक रात गुजारनी पड़ जाए, यानी जिसके पिंजरे में आपको डाल दो, वो कौन सा है? वो हर जानवर खतरनाक है, तो किसी के साथ भी रात गुजारना मुश्किल है। अच्छा, तो कौन सा जानवर? हाँ, कोई एक। कोई एक। व्यूअर्स, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आज का जो सवाल मैंने प्रोग्राम के आपको स्टार्ट में बताया था, आपको उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बताओ जल्दी कौन सा एनिमल है? लॉयन। लॉयन के साथ तो खा जाएगा, सुबह तक तो खा जाएगा ना। क्या करना है, किसके साथ रात गुजारना पड़ जाए? तो पड़ जाए तो किसके साथ गुजारेंगी रात? किसके साथ? हर जानवर के साथ मुश्किल है, इसका किसी के साथ भी नहीं गुजर सकती। ठीक है, ये तो हो गया आपका के साथ बातें हमारी। तो आप बताओ आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई सॉन्ग आता है? आता तो है पर मैं नहीं गा सकती। मैं नहीं गा सकती, आता है तो वो टैलेंट ही क्या जो सबके सामने ना आए? सुना दो कोई सॉन्ग, पाकिस्तानी सॉन्ग सुना दो। नहीं, इसके अलावा क्या टैलेंट है? शेर व शायरी आती है जी? आती है बट सुना नहीं सकती। उनके फर्स्ट टाइम सब कुछ इन्हें आता है बट ये नहीं करके दिखा सकती, ये नहीं सुना सकती आपको गाना। व्यूअर्स, ये नहीं सुना सकती आपको शेर व शायरी। टैलेंट है बट अंदर ही रखना है इन्होंने, बाहर नहीं लेकर आना। मुझे ये बता दें कि आज का सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी आदत है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में बहुत ज्यादा हो तो पसंद करेंगे? ट्रस्ट। ट्रस्ट लाइफ पार्टनर अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, कलोटा हो, कुछ भी हो, ट्रस्ट होना जरूरी है। हाँ जी, यकीन होना जरूरी है। ठीक है, खूबसूरती मैटर नहीं करती? ज्यादातर नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा, लड़की बहुत चलाक है। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की हैं, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की ने। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी लेडी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मुझे बताएं कहाँ से आई हैं? जी मैं कराची से आई हूं। कराची से आई हैं? कराची में गर्मी ज्यादा है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है? सेम सेम, कुछ ज्यादा, लेकिन अभी गर्मियों का महीना। चेक करती थी, मुझे ये बता दे सर्दियाँ कराची में तो नहीं इतनी होती है? अभी इस वक्त है? मुझे बड़ा शौक है सी व्यू देखने का। हाँ, इनवाइट करे ना तो सी सानो इनवाइट करो, असी आई कराची, हम आपको सेट कराते हैं। डन हो गया। मुझे ये बताए प्रोड्यूसर साहब, नोट कर ले, अगला प्रोग्राम हम कराची करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मुझे बताए क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, कोई टैलेंट है आपके अंदर? वैसे हाउसवाइफ के अंदर टैलेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। जी टेलर हूँ। टैलेंटेड है वो तो पता है मुझे। कोई सॉन्ग आता है? नहीं सॉन्ग नहीं। किसके साथ आई हैं आप? अपने शौहर के साथ। तो उनको ही कोई सॉन्ग सुना दे, वो बेचारे कह रहे हैं कि मुझे कोई सुनाए सॉन्ग सुनाए, इससे पहले कोई और सुना दे उनको। नहीं नहीं, कोई नहीं सुनाएगा। इतना ट्रस्ट है जी, इंसानियत है, भरोसा है। अच्छा, सॉन्ग सुनाना बुरी बात तो नहीं? नहीं बुरी बात तो नहीं, मगर आता नहीं है ना। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बता दी कि कोई शेर व शायरी आती है आपको? जी नहीं। अच्छा ठीक है, हस्बैंड रुस जाते हैं, ठीक है, नाराज हो जाते हैं, गलती आपकी हो या उनकी हो, मनाती कैसे हैं?
खाना पका के मनाती है या फिर कहती है चलो फिर पार्क में चलते हैं? बस खाना बना के। खाना बना के? अच्छा सा खाना बना लो। अच्छा ठीक है, खाने में क्या उनको पसंद है? ज्यादातर बारबेक्यू। माशाल्लाह हेल्दी तो लग रहे हैं। ठीक है, तो बारबेक्यू बहुत पसंद है जी। ठीक हो गया, आज का सवाल का जवाब दे दूं? आज का सवाल मैं का जवाब मैं नहीं दूंगी, आप देंगी। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके शौहर में आप चाहती हैं कि ये वाली हो? इंसानियत, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती कोई भी। भरोसा है। भरोसा करते हैं वो जी? अच्छा, मैं भी करती हूँ। अच्छा ठीक है, यानी दोनों में भरोसा होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी नहीं कट सकती। ये बात है, ये बात है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। शौहर दूर से वीडियो बना रहे, अब हम शौहर को पकड़ेंगे। माशाल्लाह दूर से वीडियो बना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? दुआएं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम, ठीक ठाक है। मुझे बताएं आपका नाम क्या? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद। अहमद, मुख्तार का मतलब क्या? काबिज। काबिज, ठीक है, कब्जा कर लिया आपने जी। किस पे? बस अभी तो अपनी बेगम पे कर सकता है बंदा, बाकी तो मारेंगे। बाकी मारेंगे नहीं, मारेंगी। अच्छा मुझे बताइए क्यों आपको कब्जा करना है अभी भी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। मुझे ये बता दें कि कोई टैलेंट है आपके अंदर? बेटा बस सोशल मीडिया से दुनिया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसानियत होना ही बहुत बड़ा टैलेंट है। अच्छा। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो बहुत बड़ा टैलेंट है। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बता दें कि बीवी की कौन सी अच्छी आदत लगती है आपको? बस इसका थोड़ा सा जो है अच्छी आदत यही है कि अच्छा कुक कर लेती है। अच्छा। वो अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती है। अच्छा, अच्छा जो है ना साफ सुथरा रहना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आपने कहा बस इसकी अच्छी आदत यही है, मतलब कि अब आपको और अच्छी आदतें भी चाहिए? नहीं बस यही है, अब क्या अच्छी आदतें हैं। चलो ठीक है, आप मुझे ये बता दें, सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर में होना लाजिम है, यानी कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते आप? बेटा सबसे पहली बात है कि दूसरों का दर्द का ख्याल रखना। ओके। किसी को तकलीफ नहीं देना। अच्छा। किसी की एक बता देना, आपने तो यहाँ पे पूरी बुक खोल ली। बस ये है कि किसी की जो है ना नजायज फायदा नहीं उठाना। चले ठीक है, नहीं उठाती ना? नहीं, किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना। थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से हम गपशप लगाते हैं और उनसे पूछते हैं उनका छुपा हुआ टैलेंट कौन सा है। और मेरे कैमरामैन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इधर से उधर आए, तो बढ़ते हैं लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स, इन दोनों बच्चों की एक बात बता दूं कि वो मेरी टीम ने कहा है कि इन्होंने स्पेशल हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और इनको हमारा प्रोग्राम पसंद है, तो इनसे जानते हैं क्यों पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सारिम। सारिम मलिक। ओके, आपका क्या नाम है? शामिर। सारिम और शामिर दोनों भाई हैं, कजन्स हैं? भाई हैं। भाई हैं, बड़ा भाई कौन है? मैं। ये तो आइंस्टाइन लग रहा है मुझे। है? किस पे हेयर्स चले गए हैं? मेरे खुद यूनिक हैं। अच्छा, बाबा मामा में से किसी के नहीं है? नहीं। अच्छा, तुसी वखरी हो? और जी आपकी किस पे चले गए बाल? मेरे मामा पे। मामा पे और बाबा पे। ओके जी, मुझे ये बता दें आपके अंदर दोनों में कोई टैलेंट है? हाँ जी। क्या है? मैं गाना सुनाऊंगा। गाना सुनाया? वैसे प्रोग्राम देखते हो मेरा? यस। अच्छा, आप देखते हो प्रोग्राम? यस। अच्छा, गाना कौन सा सुनाना है आपने? बारी। बारी, ओके, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है बारी। तो बिलाल सईद बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इतना प्यारा सॉन्ग जो है उन्होंने बना दिया। बारी टू गाना चाहोगे? बारी वन। ओके, बारी वन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उचिया दीवारां रखिया इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी है कोई दिल च ना ला लेड़े, ते तेरा पहला भी दिल टूटिया, हाय टूटिया तेरा एक बारी, तायो दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी आ, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़नी आ,
ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं ऐसे लई ते दिल ते अपने लाले ताले मैं तू करके उच्चियां दीवारा रख ले इस दिल दे चार चफेरे नाले साम के रख ले दिल तेरे दिल च मैलाने डेरे से तेरा पहला भी दिल टूटिया हाय टूटिया तेरा एक वारी तायो दिल दी दीवाना ते तू एक ना बनाई बारी जबरदस्त बारी आपने तो लड़कियों का वर्जन भी गा दिया है मतलब कि फीमेल वर्जन भी आपने गुनगुना दिया yes. है इतना अच्छा लगता है बारी बहुत अच्छा लगता है बारी टू भी आता है बारी टू इसको आता है मुझे भैया आ जाओ इधर है तो सीधे इधर सारे फनकार निकले हो ये लो पकड़ो और बारी टू गा दो आगे आ जाओ कदी तू ऐस गली दे ही अगले मोड़ ते मिलदा सी तेनु खबर सी सारी के हाल जो मेरे दिल दा सी तू भुल गया सारिया ओ गल्ला ते मैं ना भुली वे सजना के अज मैनु वेख के भी हथ ते तेरे चा डुली ना सजना वेखी तेरी वफा सजना भुल गई सी मैं हां सजना जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे अजे ते होई सी शुरुआत सोनी है बदल गए क्यों जज्बात सोनी है पूरा मेरे दिल वाला हाल की ताई जो तेरे नाल होई मेरे नाल की ताई किसे गल ते जे तेनू कोई शक सी पूछ लेंदी मेरे कोलो तेनू हक सी एक बारी मेरा ना ख्याल की ताई जो तेरे नाल होई मेरे नाल की ताई बहुत जबरदस्त अपने लिए दोनों क्लैपिंग कर दो प्लीज बहुत ही जबरदस्त इन्होंने गाया है बहुत ही अच्छी वॉइस है कहीं से सीखा है खुद ही yes. खुद ही फनकार हो yes. फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है आप फ्यूचर में सिंगर बनना है आपने और आपने भी सिंगर बनना है एक्टर एंड सिंगर ओके जी मुझे लग रहा है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं लेकिन व्यूअर्स जहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट हम यू गए और यू आए After this small commercial short break, इस वक्त हम मौजूद हैं Zoom में और यहाँ पर कर रहे हैं मजे मजे की बातें मजेदार लोगों से तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी बच्ची है इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक क्यूट सी बच्ची का क्या नाम है उमेर क्या मतलब नाम के बाद हंसना भी होता है पता नहीं अच्छा मुझे ये बता दे आपने मेकअप कहाँ से किया है मेकअप खुद ही किया है कि किसी ने किया है मैंने किसी से करवाती खुद ही कर लेती हूँ मैं नहीं किसी से कराती मैं खुद ही कर लेती हूँ ये कहना है किसका मेरा आपका नाम क्या है उमेर उमान मुझे लगा दोबारा हंसेंगे लेकिन दोबारा नहीं हंसी अच्छा मुझे बताओ कि क्या बनने का शौक है बाबा कहते डॉक्टर बनो अच्छा मामा क्या कहते हैं कुछ भी नहीं कहती अच्छा तो आपका क्या दिल करता है जो बनगी ठीक है इनके बाबा कह रहे हैं डॉक्टर बनो मामा कहती है कुछ नहीं दिल करता मेरा तुम कुछ भी बन जाओ और ये कह रही है कि बस जो बन गई तो ठीक है ये क्या हो गया कोई एम नहीं है नहीं खुद के शौक होते ही है अच्छा आपके क्या शौक है पहले टीचर था फिर डॉक्टर हो गया कभी कुछ कभी कुछ अच्छा आप भी मेरी तरह ही हो मैं भी बचपन में थी मैं कहती थी मैंने टीचर बनना है फिर मैं कभी बहुत अच्छा सैलून देखाती थी तो मैं कहती थी मैंने सैलून में ही जॉब करनी है मेरे कुछ मुख्तलिफ से शौक है स्कूल में जब फ्रेंड्स को कहती हूँ जब टीचर पढ़ाती है कहती है टीचर बनना है हॉस्पिटल जाती हूँ तो कहती हूँ डॉक्टर बनना है अच्छा मतलब लोगों को देख के ही अपना आप प्रोफेशन चेंज कर लेती हैं जी अच्छा ठीक है अब रिसेंटली किसको देखा है क्या बनना है डॉक्टर ही बनना है डॉक्टर ही बनना है मुझे बता दो कोई टैलेंट है आपके अंदर कोई सॉन्ग आता है नहीं क्या आता है आपको मुझे कुछ भी नहीं शेर आता है शेर हाँ एक आता है एक सुना दो कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता
कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। वाह 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 वाह, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। जबरदस्त हो गया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरे होते हैं ना, तो हम अल्लाह से ही पनाह मांगते हैं, अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं कि हमारी मुश्किल को सॉल्व कर दें, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं वो मुश्किल क्रिएट करते हैं, वो सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है आपका? दुरेसमीन। दुरेसमीन, यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर ऐसे विजिट करने आए थे हम लोग। अच्छा, सबको ठीक ठाक है ना? हाँ जी। किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं? नहीं। विजिट करने आए हो ना? तो मुझे ये बता दो, कोई खराबी है तो बता देते हैं हम लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया को। नहीं, बस सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर ये है जिस तरह जानवरों की स्मेल होती है वही है, बट इतना कुछ नहीं है। जानवर है तो स्मेल तो आएगी ना जी, थोड़ी ना सुबह सुबह परफ्यूम लगा के जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि कौन सा एनिमल फेवरेट है? मेरा वाइट टाइगर। वाइट टाइगर, ओके। तो अगर आपको ये मौका मिले कि वाइट टाइगर के साथ आपने एक रात स्पेंड करनी है, ठीक है, जंगले में, तो कर लेंगी? डर लगेगा, बट आई वुड ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो खा गया तो ठीक हो गया। मुझे ये बता दें, ऐसा आज का सवाल है, आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी ऐसी आदत है जो कि जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो आदत होना जरूरी है? वो मेरी लाइक वो लॉयल हो। ओके, ये साल की हो आप? मैं 12। अच्छा, 12 की हो, लेकिन 12 साल की बच्ची भी ये चाहती है कि अगर उसका कोई हमसफर हो तो वो लॉयल हो। लॉयल्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें, आपके अंदर कोई टैलेंट है? मैं शेर सुना दे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बातें करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे साथ क्यूट सी लड़कियाँ हैं, फैशनेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दोनों सिस्टर्स हैं क्या है? कजन्स। कजन्स हैं। कजन्स क्या है, मतलब खाला की बेटी है, फूफो की बेटी? ये मेरी खाला की बेटी है। अच्छा, और दोनों में प्यार है? जी है। मुझे बताएं, मुंह बना के इतना प्यार क्यों बोला है? प्यार है? जी है। अच्छा ठीक है, वो बड़ी है कि आप बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ। अच्छा, तो बड़ापन का आप मुजाहरा दिखाती हैं, मतलब मारती हैं उनको कि नहीं? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, वो मारती हैं? नहीं नहीं। ठीक है, मुझे बताओ आप दोनों में क्या टैलेंट है? मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। अब मैं पेंटिंग तो नहीं ना यहाँ पे करा सकती। मुझे ये बता दे, इसके अलावा कोई टैलेंट है? सॉन्ग आता है कोई? नहीं। आपको क्या आता है? नहीं, नहीं। आप मुझे शरारती लगती हो थोड़ी बहुत। अच्छा, मुझे ये बता दो कि अभी फेस पे कौन कौन सी चीजें लगाई है, मेकअप प्रोडक्ट? आओ ना सामने आओ, लगाई है तो शर्माना क्या? मैंने बस फेस पाउडर लगाया है, क्रीम, मुझे पता चल जाएगा, मस्कारा और लिपस्टिक, बस लिपस्टिक, मस्कारा। आईलाइनर किसने लगाया? आप ही ने लगाया। अच्छा, आपने अपनी आंखों पे लगाया ना? जी। अच्छा, और क्रीम कौन सी लगाई आप? फेरन ओली। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कोई क्रीम नहीं लगाती आप? नहीं, मैंने लगाती। वजह? वैसे ही मेरी स्किन ना इतनी है कि मैं नॉर्मल है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बता दें, आज का सवाल कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी आदत है जो कि आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना पसंद करते हैं, किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए? आप बता दो। लॉयलिटी। लॉयलिटी, और आप बता दो। फिटिंग ना करना बस। मेरा भी क्या है ये? लॉयल्टी। लॉयल्टी, चाहे काला हो, कलोटा हो, कुछ भी हो? नहीं नहीं, सफेद होना चाहिए। आपकी तरह सफेद होना चाहिए? हाँ जी। और लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कोई एक चीज बताओ ना, या तो सफेद या लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी कि ईमानदार होना चाहिए उसको, किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनको तंग करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ खूबसूरत सी आंटी भी हैं, इनसे बात करते हैं। इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूं, आप सुनाएं? अल्लाह का करम ठीक ठाक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शरारती हैं? नहीं मैं शरारती नहीं हूं। आपकी शक्ल से लग रहा है। अच्छा शायद हूं। ठीक है, ये तो आपके हस्बैंड से पूछना।
पड़ेगा, कहाँ पर छुपे हुए हैं? इधर वो फैसलाबाद में, हम फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या करने आए हैं फैसलाबाद से? मैं अपनी बहन के पास आई थी, उनके साथ मैं जूम में आई हूँ। अच्छा, जूम में सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है, सारा सर्वे कर लिए। हाँ जी। कौन सा जानवर जो है वो बहुत ज्यादा तंग किया जिसने आप? नहीं, किसी ने भी नहीं। और कौन सा ऐसा जानवर जिसको आपने बहुत तंग किया? नहीं, हमने किसी को भी नहीं किया। कौन सा फेवरेट एनिमल है आपका? वो था हाथी था, वो नहीं है। हाय हाय, हाथी था, अब नकली है ना, डमी रखा उसमें बैठी हैं आप? नहीं, मैं नहीं बैठी, बच्चे बैठे। अच्छा ठीक है, एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपके शादीशुदा हैं आप माशाल्लाह, हस्बैंड के साथ लव हुई है मैरिज या अरेंज? नहीं, दोनों मिलके ही हुई है, अरेंज भी और लव भी। दोनों मिलके कैसे हो सकती हैं? या पहले लव हुआ? आपकी भी तरफ से था और हमारी तरफ से भी था। ये जो हमारी तरफ से था ये कैसे था? बस ऐसे ही हो गया। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दें कि उनकी तरफ से था या आपकी तरफ से? उनकी तरफ से। उनकी तरफ जी। उनको आपको आपकी कौन सी ऐसी आदत पसंद आई जिसकी वजह से उन्होंने कहा बस ओके है? बस चुप रहने से ज्यादा। मैं इतनी बोलती नहीं होती थी। यानी लड़कियों को चुप ही रहना चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही है। चले ठीक है, मुझे बता दें कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर में होना बहुत जरूरी है, आप किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? नहीं, अल्लाह का शुक्र वो सारे बेस्ट हैं, अच्छे हैं। ये कुछ खिलाया उन्होंने आप? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे आदत कौन सी अच्छी है उनकी बहुत ज्यादा? सारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके पीछे से बहन ऐसे ऐसे कर रही? हाँ जी। नहीं, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं है। ठीक है, बुरी कौन सी आदत है? वो कहीं जाने नहीं देते ज्यादा, ये तो सबसे भारी है, कहीं जाने ही नहीं देते, रोक घर पे रहो बच्चों के पास, ये गलत आदत है ना। तो क्या कहना चाहेंगे अगर वो देख रहे हैं तो? कुछ भी नहीं, बस यही कहूंगी कि मुझे जाने दिया करके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी लड़कियाँ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? आप भी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं आपका नाम क्या? अकमाम। अकमाम, अकमाम का मतलब क्या है? खजूरों का गिलाफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम अकमाम। आपका क्या नाम है? अलिश्बा। अलिश्बा, अलिश्बा का मतलब क्या है? मजबूत। मजबूत, मजबूत और खजूरों का गुलाब। ठीक है, मुझे ये बता दें अकमाम क्या करती हैं आप? मैं प्यारा सा मेकअप करने के अलावा पढ़ती हूँ। पढ़ती, क्या पढ़ती हैं आप? मैं कौन सी क्लास? थ्री में। सोच लो पहले, अभी फाइव में हूँ। पहले थ्री में थी, फिर फोर में, अब फाइव में हो गई है ये बच्ची। यानी कि इतनी ज्यादा क्विक सर्विस है। आप बता दें। मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। ओ माशाल्लाह, आप तो बहुत छोटी लगती हो। नहीं नहीं, मैं मेडिकल कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। मुझे बताएं फ्यूचर में क्या करना है आपने? टीचर बनना है। टीचर बनना है, और आपने क्या करना है? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कौन सी डॉक्टर बनना है आपने? हार्ट स्पेशलिस्ट। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बता दें कोई टैलेंट है आप में? जी। क्या? शेर। शेर क्या? शेर सुनाना। ओके जी, सुना दे। की मोहम्मद के वफातूने तो हम तेरे हैं। ओके। की मोहम्मद के वफातूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज नहीं लोगों के लम तेरे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत सुनाया बट ठीक है, ओके है। आप बताओ आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट तो बोला लेकिन जाहिर नहीं करना। क्यों नहीं जाहिर करना आपने? ये कौन सा टैलेंट है जो जाहिर ही नहीं किया जा सकता? बस सॉन्ग आता है, आते बहुत है लेकिन सिंगिंग नहीं आती मुझे। सॉन्ग आता है लेकिन सिंगिंग नहीं आती। वैसे ही सुना दो कोई, माइक पकड़ लो, पाकिस्तानी सॉन्ग। ओके। हाथ ते डुल गए चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जान दी दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं उचिया उचिया दीवारा रखिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। हम यू गए, यू वापस आए। After this small commercial short break, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी लेडी मौजूद है
इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का करम, इतना शर्मा क्यों रही है? पहले कभी आई नहीं ना ऐसे। कहाँ पर नहीं आई? ऐसे आपके साथ या न्यूज़ में। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दें, घबराना नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बता दें क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन, इतना प्यारा मेकअप किया हुआ है, खुद ही किया? जी। अच्छा कहाँ से सीखा आपने? किसी से भी नहीं, खुद ही। अच्छा मुझे ये बता दें कि नौशीन यहाँ पर किसके साथ आई? मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा कोई रह तो नहीं गया? अबू घर पे हैं। अच्छा उनको भी ले आना था? ठीक है, अबू घर में हस्बैंड है साथ। अच्छा क्या नाम है हस्बैंड का? जुबैर। अच्छे मिल गए हैं जी अल्लाह। अच्छा कोई अच्छी आदत बता दें इनकी? सारी आदतें अच्छी हैं। आजकल पता नहीं बेगमात को क्या है, सारी आदतें अच्छी हैं, कोई बुरी आदत नहीं? कोई भी कोई बुरी आदत नहीं है? गुस्सा वगैरह नहीं आता? कुछ भी नहीं आता, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे हस्बैंड फिर सबको ही दे, ठीक है, यही सबको ना दे, ऐसे हस्बैंड सबको दे। मुझे बता दें एक लाइफ पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, औरत या मर्द? इसके एक हस्बैंड में सारी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ना। अच्छा चले सही हो गया। मुझे बताएं आपको कोई सॉन्ग आता है? नहीं। नहीं, शेरो शायरी भी नहीं आती? नहीं। ठीक हो गया, हस्बैंड को मनाती कैसे फिर? वो नाराज ही नहीं आते। है चंगा है भाई, कुछ भी नहीं होता, ना नाराज होते ने, ना मनाते ने, ना कुछ और होता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनका छुपा हुआ टैलेंट, और साथ ही साथ आज के सवाल का जवाब। व्यूअर्स यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी गर्ल मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? फाइन ठीक। मुझे बताएं क्या करने आई यहाँ पे? एनिमल्स देखने, सारे जानवरों को देखने। ओके, एनिमल्स देख लिए? जी देख लिए। बहुत। कौन सा पसंद आया आपको? शेर। अच्छा शेर का दिल करता है कभी के घर ले जाऊं मैं इसको? हाँ दिल तो करता है लेकिन लेना ले जा नहीं सकते। ले जा नहीं सकते हैं। मुझे ये बता दें अगर किसी जानवर के साथ एक रात पिंजरे में रहना पड़े तो कौन सा ऐसा जूमी एनिमल है जिसके साथ आप रह सकती हैं? बर्ड्स। बर्ड्स जी। बड़ा सोच समझ के आंसर दिया। जी बर्ड्स के साथ आसानी से रह सकते। ओके जी, जू की कैसे याद आ गई आज? जू की हम पेशावर से आए ना। ओके जी, तो पहले जू आना था हमने ताकि एनिमल्स को देख ले फिर चले जाएंगे। अच्छा यानी पहले यहाँ से आपने बिस्मिल्लाह की है? अभी यहाँ से शुरू किया है, अब आगे जाके आप और बाकी तमाम जगह देखेंगे। तो लाहौर में कौन सी चीज पसंद आई है? पेशावर अच्छा है, लाहौर अच्छा है? लाहौर अच्छा। अच्छा साफ है, बहुत साफ है। बहुत पेशावर अच्छा नहीं है, वो साफ नहीं है लेकिन लाहौर की मुनासिबत से वो थोड़ा सा, यस उस पर थोड़ा सा वो है कि वो साफ नहीं है इतना जितना लाहौर है। अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताएं कि कब लाहौर आए हैं आप? कल। कल आए हैं जी। तो आते ही जू देखा है कि बाकी चीजें? कल रात को आए थे और फिर बस होटल में फिर। ठीक है मुझे बताएं आपके अंदर टैलेंट कौन सा? टैलेंट? कुछ सॉन्ग आता है तो सुना दे। बिल्कुल नहीं, सॉन्ग से नहीं। आपको पता है आप कितनी क्यूट है माशाल्लाह। जी मुझे बताएं कोई सॉन्ग आता है तो बता। सॉन्ग तो नहीं आती। शेर व शायरी आती है? नहीं कुछ नहीं आता। टैलेंट कुछ भी नहीं आता? नहीं, मेरी बहन के पास है शेर व शायरी, वो सुनाएगी। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बता दें आज का सवाल ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी ऐसी आदत है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट? यस। आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करें इन फ्यूचर, मतलब अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक टू यू। इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्यूट सी लड़की हैं और बहुत ही समझदारी वाली बातें की हैं, और इन्होंने आज के सवाल का जवाब ये दिया है कि अगले से हमें रिस्पेक्ट चाहिए, मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हाँ अगर कोई मुझसे भी यही पूछे तो मुझे भी यही लगता है कि अगला बंदा जो है वो रिस्पेक्ट जरूर करे एक औरत की या अगले बंदे की। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। व्यूअर्स यहाँ पर जू में हमें बहुत ही प्यारी सी लड़की मिली है जिनकी आंखें बहुत प्यारी है, मुझसे भी बड़ी बड़ी है, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं खानदान में किसकी इतनी बड़ी आंखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खुश हो गई है तारीफ सुन के? है जी। अच्छा मुझे बताएं माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी आंखें हैं, बड़ी बड़ी, किसकी आंखें हैं? घर में किसी की भी नहीं है। किसी की भी नहीं है? मेरे घर में भी किसी की नहीं है, वखरे ही निकले हम। नानों की थी। नानों की थी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दें क्या करने आया जू में? ऐसी बच्चों के साथ एंजॉय के लिए। अच्छा आर यू मैरिड? नो। ओके किसके बच्चे लेकर आए हो आप? भाभी हैं। अच्छा ठीक है, उनके बच्चों को खिलाने के लिए? जी। अच्छा मुझे बताएं, अम्मी पीछे से आवाजें दी जा रही है। अच्छा आप भी आ जाइए इधर, अम्मी को भी बुला लेती है।
क्योंकि अम्मी जो है ना वो ट्रांसलेट कर रही है। नहीं नहीं आए आप, हम तुसी आओ आओ तुसी आ जाओ आ जाओ। मैं सवाल एना को पूछांगी, जवाब तुसी देना है। नहीं नहीं वो खुद ही देंगी। अच्छा जो मुझसे पूछेगी मैं दे दूंगी। पीछे क्यों बोली जा रहे हो? मैं इसलिए बोल रही थी, मैंने कहा आप पूछ रहे हो ना, मैंने कहा ये समझेंगे आप इनके ही बच्चे तो नहीं है। नहीं नहीं उन्होंने जवाब दे दिया। चले ठीक है, हम सवाल जवाब का सिलसिला इन दोनों के साथ जारी रखते हैं। मुझे बता दें कि जू में कौन सा एनिमल देखने के लिए ज्यादा बेताब हो रही थी? भाई मैं नहीं हो रही थी, बच्चे हो रहे थे। बच्चों ने कहा है कि भी हमें लेकर चलो। नहीं ना देना मुझे, गुस्से में लग रही है मुझे। आप कह रहे हैं बेताब हो रही थी, मैं बेताब नहीं हो रही, बच्चे मेरे बेताब हो रहे थे। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मां नाना क्या करे फिर, ठीक हो गया। मुझे ये बता दे, चले इनको छोड़ते हैं। मुझे बता दो कि अगर एक रात किसी जू में किसी जानवर के साथ गुजारनी पड़े, किसके साथ गुजारोगे? किसी के साथ भी नहीं। कोई भी फेवरेट एनिमल नहीं आप? नहीं। अम्मी जी आपका फेवरेट एनिमल कौन सा था? कोई सा भी नहीं था मेरा। आपको कोई भी पसंद नहीं? नहीं, आपने नाराज कर दिया मुझे। आपने नाराज कर दिया मुझे। नाराज हो गई है। अच्छा जी मुझे ये बता दें कि आज का सवाल ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी ऐसी चीज है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई ऐसी आदत जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते? स्मोकिंग। अच्छा जी वो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जो भी देख रहा है और जिनको भी लगता है कि भाई लड़कियों को स्मोकिंग वाले लड़के बहुत पसंद है, तो नहीं पसंद है, ये कह रही है नहीं पसंद है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारे से जेंटलमैन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जी मुझे बता दें नाम क्या आपका? राणा नासिर। राणा साहब क्या टैलेंट है आपके अंदर? टैलेंट बस होता है इंसान को। सॉन्ग आता है आपको? सॉन्ग नहीं, सॉन्ग नहीं बजाते बस। शेर व शायरी नहीं? तो आता क्या आपको बस? काम के अलावा काम करने का? काम बस शौक ही काम का। चलिए ठीक है, तो अपना फ्री टाइम कैसे आप स्पेंड करते हैं? उसमें घर में बस फ्री टाइम, मतलब घर में कुछ भी नहीं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं बस, एंजॉय कर लेते हैं। यानी आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि आज का सवाल पे आ जाते हैं, वो कौन सी ऐसी आदत है जो कि आप अपने पार्टनर में चाहते हैं? एज अ वाइफ उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो जिनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? कोई एक ऐसी वाइफ के अंदर? हाँ क्वालिटी सामने देख के सामने। अच्छा वाइफ के अंदर क्वालिटी पता ही नहीं लग रहा कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। माशाल्लाह क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वाइफ बच्चा मतलब घर में अच्छा रिस्पॉन्स दे बच्चों को, हमें तो खाना चलना, हमारी फैमिली को सबको। ठीक है इन्होंने पूरी बुक खोल दिया, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। इनकी तो डिमांड्स बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही फैशनेबल और क्यूट सी लड़की मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाओ। अल्लाह का करम, क्या नाम है आपका? ईशा हफीज। ईशा क्या करने आए हो जू में? हम गुजरांवाला से आए हैं देखने। अच्छा सारे बाहर से ही आए हैं, आउट ऑफ सिटी से ही आए हैं जू को देखने के लिए, क्या वजह होती है? एनिमल्स देखने के लिए। अच्छा देख लिया? हाँ जी। खुश हो गई आप? बहुत। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा? टाइगर। टाइगर यस। अच्छा ठीक है, अगर आपको मौका मिले कि टाइगर के साथ आपने रहना है? नहीं कभी नहीं। क्यों? नहीं पसंद तो है ना आपको? पसंद है, रह नहीं सकते ना। अच्छा, खा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके साथ आप रह सकती हो रात? किसी के साथ भी नहीं। किसी के साथ नहीं? नहीं। ठीक है, कोई पसंद है वैसे? हाँ जी टाइगर ही। नहीं रहने के लायक? रहने कैट होती है। अच्छा ठीक है, कैट को रखना चाहते हो आप? हाँ जी। ओके जी, मुझे बताएं आपके अंदर टैलेंट कौन सा? माशाल्लाह मेकअप बहुत अच्छा किया हो। नहीं बस मेकअप ही करते हैं और कुछ। अच्छा, नहीं और कोई टैलेंट नहीं है? सॉन्ग नहीं आता? नहीं। कोई शेर व शायरी भी नहीं आती? लाडले बच्चे हो घर के में के? सबसे छोटी। सबसे छोटी। तो आदत कौन सी आपकी अच्छी है और कौन सी बुरी आदत? बुरी मैं गुस्सा जल्दी कर जाती हूँ। अच्छा और अच्छी तो मम्मा को पता होगा वो ही बताएंगी कि कौन सी अच्छी है। अच्छा मुझे ये बता दें वो कौन सी ऐसी आदत है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उस आदत पे?
सोचा नहीं कभी सोचा नहीं नहीं कोई होती है ना आसपास में आप देखते हो कि यार ये स्मोकिंग कर रहा है ये अपनी बीवी को किस तरह से मार रहा है ये किस तरह से गुस्से हो रहा है मारना नहीं चाहिए बाकी जो मर्जी करे बाकी जो मर्जी होना चाहिए मारना नहीं चाहिए ओके जी थैंक यू सो मच बात करके अच्छा लगा व्यूअर्स जहाँ पर वक्त हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का ठीक है जी जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना जरूरी है और फिर दोबारा आना भी जरूरी है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल तब तक के लिए प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा जिसका नाम है फटाफट और साथ ही साथ जाते जाते आज के सवाल का जवाब सुनते जाइए आज का सवाल यही था कि वो कौन सी ऐसी आदत है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर उसके अंदर हो तो मैं बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि किसी को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है एंड ऑल दैट जो भी उनके अकॉर्डिंगली सूटेबल था अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरे लाइफ पार्टनर में ऐसी कोई आदत जिसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि अगर वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मैं उनको देख सकूँगी और रिस्पेक्ट से ही आगे तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से चल सकते हैं तो अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए ताकि मैं भी आगे से आपको रिस्पेक्ट दे सकूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे अल्लाह हाफिज़